क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फंक्शन गिवन है ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए हमारे इस फंक्शन में तीन टर्म है, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों टर्म का ही हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ए एक्स की पावर 2 कर रहे हैं, तो इसमें ए हमारा कॉन्स्टेंट है वो तो हमने बाहर लिख दिया, एक्स की पावर 2 को हमने इंटीग्रेट कर दिया, प्लस बी एक्स में हमारा बी क्या है कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और एक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस सी हमारा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और कितना बचा सिर्फ 1 और 1 को हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब ए हमारा ऐसे रहा, एक्स की पावर एन का हमारा इंटीग्रेशन हो जो होता था वो क्या होता था, एक्स की पावर एन प्लस 1 और अपॉन में एन प्लस 1, मीन्स पावर में हम एक ऐड कर देते थे और वही हमारा क्या होता था डिनोमिनेटर हो जाता था। तो देखिए पावर हमारी कितनी है 2, एक ऐड कर दीजिए कितनी हो जाएगी पावर 3 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, प्लस बी हमारा ऐसे रहा। देखिए यहाँ एक्स की पावर कितनी हमारी 1 है, तो एक ऐड कर दीजिए पावर में कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और अपॉन में क्या जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, प्लस सी हमारा ऐसे रहा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता था एक्स। अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 और अपॉन में 2 प्लस का सी एक्स और प्लस का एक कोई कॉन्स्टेंट हम के या सी कोई भी हम ऐड कर सकते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।